बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल महंगा होने की वजह से वॉलंटियर नहीं आ रहे, कह रहे हैं भाई दिन में 400 रुपए का पेट्रोल लगेगा, हम इतनी दूर दूर से आते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद। किस इलाके में रहते हो? तुम्हें आज कितने वॉलंटियर अदा करूंगा? कबाब जी रेस्टोरेंट के सरबरा जनाब इमरान शेख साहब का, जिनकी जानिब से आज की सहरी कराई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जो माई वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो ये देख सकते हैं आज मैं आई हुई हूँ सहरो अवतार प्रोग्राम JTC के प्लेटफॉर्म पे, जो कि नुमाइश शरंगी पे कराची की सबसे बड़ी सहरी और अफतारी का इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, और तकरीबन 40,000 लोगों की यहाँ पर सहरी और अफतारी का इंतजाम किया जाता है, और बहुत ही इज्जत के साथ सबको सर्व किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं रश मेरे पीछे, सिर्फ रात के 1 बजने हैं और लोगों ने अभी से ही आना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैंने सोचा मैं भी अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पर और अच्छी सी चीज़ को कवर करूँ, और अपनी वाइटी फैमिली को भी दिखाऊँ कि देखें दुनिया में अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो आप मुझे जो अगर कोई सफेद पोश घराने से है तो प्लीज़ आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। कोई ऐसा सच नहीं है कि यहाँ पर किसी की इज्जत नफ्स मजलूम की जा रही हो, बहुत ही इज्जत के साथ दिया जाता है। तो मैंने भी लाइव सेशन देखे थे, यूट्यूबर्स को ही देखी मैं यहाँ पर आई, और जफर अब्बासी का ये इनिशिएटिव है, माशाल्लाह से हम सबको मिलकर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मेरे साथ रहेगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। यहाँ पर राउडी राइडर्स भी मौजूद है। फरखुंदा कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राउडी राइडर की मैनेजर फरखुंदा फिरोज जी। हमारा मकसद जो है राउडी राइडर का सस्ती सवारी खुद मुख्तारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि खवातीन जो हैं वो बाख्तियार हो जाएं, खुद मुख्तार हो जाएं, ताकि जो है वो खवातीन जो है वो खुद ही जो है वो अपने काम करें, किसी की मोहताज ना रहें। शहरी कंपनी के जो चेयरमैन है दानिश साहब, उनकी जानिब से तो ये सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत का एक दफा फिर वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा, किसी भी खड़े हुए शख्स को सहरी नहीं देती, इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मेहमानों को सहरी सर्व करेंगे आप लोग। चले आप लोग आ जाएं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आप और इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल की हाथ एक साथ सर्व।
बिरयानी है इसके साथ दोस्तों ये हमारा प्लेटर आ चुका है और आएंगे। मैंने सुना था यहाँ पे Thank you.
यार मैंने मना किए छोटा सा बच्चा स्पेशल है छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसा जज्बा आ रहा है भाग भाग के हेल्प करवा रहे हैं बेटा क्या कर रहे हो उधर आओ मेरी बात तो यहाँ आप क्या कर इधर आओ क्या कर रहे हो आओ बात तो सुनो इन लोग आपको देख रहे हैं हम बताओ क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो काम कर रहे हो क्या काम कर रहे हो सबको हाल दे रहे सबको दे रहे हो खाना लेकिन आप इतने छोटे हो आपकी बात बीच में आगे कहीं पे फिर क्या होगा नहीं आती नहीं ना इतने सारे लोग काम कर रहे हैं आप किसके साथ आए और नफरत का बयानियां जो था मेरी जबान क्या है मेरी जबान क्या है मेरा मसला क्या है मेरा मसला सारा बयानियां खत्म हमें कैमरे लगाएंगे पार्सल और बहुत सारे खानदान रखो फिर यहाँ भी रखते साहिबा जो कि मशहूर ज़माना बहुत ही हम सबकी फेवरेट कॉमेडियन एक्ट्रेस ये रह चुकी है और इनको तो हम डेली देखते हैं आप जल्दी से मुझे प्यारा सा पैगाम दे दे मेरी वाईटी फैमिली के लिए किसकी वाईटी फैमिली के लिए वाईटी फैमिली के लिए बहुत दुआएं बहुत मोहब्बत प्यार क्योंकि हम जब जेडीसी के दस्तरखान में इमाम हसन पर बैठे होते हैं हमारा पैगाम यही होता है कि सब एक साथ रहो मिल के रहो एक दूसरे का ख्याल रखो मोहब्बतें बांटो और मोहब्बतें हासिल भी करो और जिंदगी को आसानी से
गुजारो, चार दिन की जिंदगी है, किसी को दुख नहीं दो और कोशिश करो दूसरों को सुख दो और खुद को भी सुख दो, बस। बहुत प्यार पैगाम बाबा, थैंक यू सो मच, खुश रहे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। साथ में आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक और रिस्पेक्टेबल लेडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमीम और मैं JDC में 12 साल से कंप्यूटर की टीचर हूँ, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ। ITCTB में पढ़ाती हूँ और यानी कि 12 साल जो कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो वो पढ़ाना मैंने शुरू किया था। अच्छा आप जो है मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आप IT की टीचर रह चुके, तो जफर अब्बासी साहब ने ये भी ऐलान किया है कि वो IT के कोर्सेज करवाएंगे, तो How to get registered in this IIT course? IIT course कैसे register करवा सकते हैं? आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें, उसको फिल करें और प्रिंट निकलवा के ITCTB में जाके सबमिट करवा दें। और कोई फीस नहीं है इसकी, कोई फीस नहीं है। अच्छा आप लोगों ने शेफ कोर्सेज भी स्टार्ट करवाए थे, राइट? तो उसकी मेरे पास बहुत बेसिकली आई एम अ सोशल वर्कर आल्सो, तो बहुत इश्यूज हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिल रहा शेफ का, वो कहाँ से लेंगे? वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, लेकिन बेसिकली उनकी क्लासेस अब रमजान की वजह से थोड़ी डिले हो गई हैं, इस वजह से वो आपको फॉर्म नहीं मिल रहे। रमजान के बाद वो क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फॉर्म भी इंशाल्लाह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन होंगी कहाँ पर? ऑनलाइन नहीं होंगे, क्लासेस तो आपकी वहीं फिजिकली होंगी लेकिन एडमिशन आपके ऑनलाइन होंगे। ओके अच्छा, तो आप कह रही है कि JDC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही फॉर्म लेके फिल कराए, और IT के भी? IT के फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करवा सकते, आपने फिल करने, प्रिंट निकलवाना है, फिर ITCTB में जाके सबमिट करवा दें। सही, तो आजकल हो गई स्टार्ट रजिस्ट्रेशन? जी जी जी, अभी क्योंकि ईद के बाद न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी, हमारे बैच वाइंड अप होंगे, यानी सेकंड बैच हमारा वाइंड अप होगा, थर्ड बैच स्टार्ट होगा। अच्छा ग्रेट ग्रेट। अच्छा आपने नाम क्या बताया था? शमीम साकिब। मिस शमीम ये बताएगा कि जैसे IT के जो कोर्स हो रहे हैं, हम जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बच्चे आएंगे, कुछ पिक एंड ड्रॉप का कन्विंस का कोई इशू सॉल्व हो सकता है बच्चों का, अपने ऑन बिहाफ पे आते हैं बच्चे? अपने ऑन बिहाफ पर आते हैं, फिलहाल तो बेचारे वही अपने ही उस पर आ रहे हैं, आगे इंशाल्लाह देखते हैं इसके लिए कोई नया स्टेप देखेंगे और सोचेंगे। लोकेशन क्या है IT कोर्सेज का? 5-star। 5-star चलेगी? जी 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 जी, वहाँ कॉर्नर के रोड पर ही है। ओके चले, आपसे बात करके बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, शुक्रिया आपका। आपने और आप डेली आती है? हाँ मैं यहाँ तो कम आती हूँ क्योंकि मैं क्लासेस लेने जाती हूँ, वैसे दिन में इन लोगों के साथ ही होती हूँ। सही, चले आपका बहुत शुक्रिया। सर जी एक मेरा भी मसला है, मेरी सिस्टर का घर पे एक ब्लास्ट हुआ है, मेरी सिस्टर छोटा सा खाने का वह हैंडीक्राफ्ट है, ये भी इस बच्चे ने बनाया है और इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसको प्लीज ऑनलाइन ऑर्डर दीजिएगा और सपोर्ट करो। वाओ उसमें लाइट भी है, देख सकते हैं गाइस आप, उसमें कलरफुल सी लाइट भी आ रही है, तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये एक हैंडीक्राफ्ट है। बेसिकली हमारे साथ मौजूद है, ये बता रही थी कि इनके स्टूडेंट पूरे कराची में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही फैले हुए होते हैं, मेरी मदर भी बेसिकली टीचर है, तो बताती है बाहर के मुल्कों में भी बच्चे चले जाते हैं, कोई इंजीनियर पायलट बनते हैं, तो माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट भी मौजूद है जी, जो बाहर टीचर की रिस्पेक्ट होती है ना माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ यार नो वन कैन पे अ टीचर, उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। तो इत्तेफाक से यहाँ पे JDC में एक स्टूडेंट हमें मिले, वो IT का कोर्स करके JDC गए हैं और एज अ वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं IT के कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और एज अ वॉलंटियर भी कैसा एक्सपीरियंस था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो है। अच्छा प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एज ए IT स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, मैं सबसे पहले तो मैं शमीम का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि इन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम लोग अच्छे लेवल पे एक आगे खड़े हुए हैं। ITCTB की तरफ से उनको बहुत सपोर्ट मिली हमें, यहाँ तक कि हम लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, उस पर टाइपिंग करने में प्रॉब्लम्स होती थी जो हमें मिस ने सिखाई, उसके अलावा बाकी मतलब हमें कहीं भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हम टीचर
वजह से हमारी टीचर मिस शमीम है और दूसरे लैंग्वेज के हमारे सर मोहसिन है, माशाल्लाह से इन दोनों से हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले। स्ट्रिक्ट टीचर है या कैसी सॉफ्ट है? बहुत अच्छी टीचर है, जैसे टीचर्स नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कोर्स करने के दौरान आपको कोई मुश्किल का सामना हुआ कुछ? नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई कि कोई बच्चा परेशान हो। टाइम और फ्लेक्सिबल थे जी। अच्छा, तो आप कौन सी वाली स्लॉट में कर रहे थे कोर्स? 3 बजे वाली क्लास कर रहे थे? 3 बजे, 3 to 5। दो स्लॉट होते हैं बेसिकली, 3 to 5, 5 to 7। तो जो बच्चे जॉब करते हैं उनके लिए भी आसानी है। तो आप अच्छे यहाँ पे JDC वॉलंटियर भी हैं आप, वो कब से? I think मुझे 6 साल हो चुके हैं JDC वॉलंटियरिंग के। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज तक जितने भी है हमारे मेहमान आते हैं उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है और सब हमारे साथ खुश होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं कि यार हमारी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, यहाँ बैठ गई है बैठी रहे, उनसे फिर हम एक्सक्यूज करते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा आगे हो जाए इनके अगर बने ताकि और फैमिलीज आए तो वो इजीली बैठ सकें। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज़ मैं इनके बारे में और बता दूँ, इनके छोटे से हमारे साथ बहुत ही क्यूट से एक भाई भी मौजूद है जो कि बहुत ही आर्टिस्ट और क्रिएटिव माइंडेड है, और इन्होंने अभी ज़ेबा साहिबा को जो एक्ट्रेस यहाँ पे आई हुई होती है उनको बहुत ही प्यारा सा ये गिफ्ट भेजा है। कैन यू बिलीव इट गाइस, दिस इज दिस मास्टरपीस इज हैंडमेड, दिस इज अ हैंडीक्राफ्ट बाय दैट लिटिल चाइल्ड। तो हम इनसे भी पूछते हैं, और एक छोटी सी चारपाई भी इन्होंने बनाई थी, क्यूट सी कलरफुल सी नजर आई थी, वो ये गिफ्ट दे चुके हैं, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। अच्छा मुझे जरा प्लीज बताइएगा कि कितने दिन में एक आप ये तैयार कर लेते हैं, अपना नाम बताएं और ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं? मेरा नाम अब्दुल अहद है, अब्दुल अहद है मेरा नाम। ये मैं तकरीबन कम से कम भी एक दिन में तैयार कर लेता हूँ, और ये अगर आप किसी ने भी ऑर्डर देना हो तो दे सकते हैं नंबर पे। अच्छा, आपको कितने दिन लगे ये बनाने में? ये बनाने में 2 दिन लगे। 2 दिन लगे। अच्छा, इसको अगर मैं लेना चाहूँ खरीदना चाहूँ तो क्या प्राइस होगी इसकी? इसके 2000। और मुझे एक प्यारी सी चरपाई थी उसकी प्राइस क्या होगी? इसकी भी 2000 है। अच्छा, जरा प्लीज आप जूम करके दिखाएगा कितनी फिनिशिंग से, इतने छोटे फिर क्या एज है आपकी? 16। अच्छा, देख ले माशाल्लाह से कितना लोगों में टैलेंट है, प्लीज इनको प्रमोट करें। कोई फोन नंबर वगैरह कुछ क्या पेज वेज बनाया आपने अभी? अभी तो पहला ही ऑर्डर मिला इनको, तो अगर इनका नंबर मेरे से होगा तो भाई से लेके आपको टैग कर दूंगी, जरूर सपोर्ट करें ऐसे काम को। थैंक यू, थैंक यू। फैलाओ चटनी, फैलाओ चटनी, फैलाओ गोल दायरे, गोल दायरे में लगाओ। आवाज 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 आई ध्यान से, ध्यान से गोल दायरा बनाने चटनी मशहूर यूट्यूबर मौजूद है जो कि बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और इन द रियल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि माशाल्लाह से वुमेन को वुमेन होने पर प्राउड फील कर आती है और हिम्मत नहीं हारी कभी भी, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आप देखो क्या। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपने मेरी बात कह दी, सेम फीलिंग्स हैं, वुमेन्स हैं तो इनको पता ही नहीं है कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, कितना मेकअप कर आते हैं, कितनी तैयारी कर आते हैं, फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया करें भाई, इनके चैनल को लाइक भी कर दिया करें, बहुत स्ट्रगल करते हैं हम, ज्यादातर खातून जो है ना बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। अच्छा सरोवर, एक औरत जब घर से निकल के बाहर काम करती है तो वो डबल ड्यूटी दे रही होती है, जैसे एक आदमी तो करता ही काम, तो आज भी शहरी के टाइम पे आना हम सब अपने घरों का काम वाइंड अप करके और काम अलग है, बच्चों को देखना अलग है और ये ब्लॉग बनाना अलग है, तो मतलब 3 दिन मेहनत है, तो आप लोग जरा कदर करें कदर। अच्छा सर, आपके चैनल का नाम क्या है? छोटी सनोबर। डेली नया के नाम से सनोबर, छोटी भी लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। चले जरूर हम दोनों को सपोर्ट करें। थैंक यू सनोबर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। मेरी
यहाँ पर राउडी राइडर्स भी मौजूद है। फरखुंदा कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राउडी राइडर की मैनेजर फरखुंदा फिरोज जी। हमारा मकसद जो है राउडी राइडर का सस्ती सवारी खुद मुख्तारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ख्वातीन जो हैं वो बाख्तियार हो जाएं, खुद मुख्तार हो जाएं, ताकि जो है वो ख्वातीन जो है वो खुद ही जो है वो अपने काम करें, किसी की मोहताज ना रहें। शहरी कंपनी के जो चेयरमैन है दानिश साहब, उनकी जानिब से है, तो ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत का। एक दफा फिर वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा, किसी भी खड़े हुए शख्स को सहरी नहीं देती, इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मेहमानों को सहरी सर्व करेंगे आप लोग। चले आप लोग आ जाए। ऑटो वाले भाई शॉर्ट ले लिया तो बाहर आ जाए प्लीज। 40 साल यार अच्छा खाते घर बैठे पहले मैंने यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? तो जनाब आज इस वक्त आपको जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त रबिया के साथ मैं मौजूद हूँ और रबिया यहाँ मौजूद है और हम मौजूद हैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पे, जहाँ पे JDC फाउंडेशन की माशाल्लाह से 30 रोज़े 29 रोज़े जो भी रमज़ान की सेटिंग होती है उस हिसाब से सैर अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। तो यहाँ माशाल्लाह से हम लोग सेकेंड अशरे में दाखिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और 11वीं सैरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पर बाकायदा सैरी की तैयारी की जा रही है, लोग बाकायदा यहाँ पे आ रहे हैं और आप सब जैसे कि जानते हो कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सफ़ेद पोश अफराद यहाँ पे आके बाकायदा अपनी फैमिली के साथ या सिंगल अकेले आप जैसे भी आएँ आके सैर अफ्तार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी इंतजाम है जो कि फैमिली मेम्बर्स अगर आपके कोई घर पर मौजूद है तो आप उनके लिए अपनी सैर अफ्तार अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, पैकेट्स वगैरह का भी इंतजाम है। और एक जैसे कि रमज़ान से पहले जफर अब्बास भाई ने अनाउंस किया था कि अगर आपके अहले मोहल्ला में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि सफ़ेद पोश हैं वो यहाँ तक नहीं आ सकते तो आप उनके एक लिस्ट बना के हमें दें और वो यहाँ पे आके, जी हाँ ऐसा भी हुआ है और माशाल्लाह इसके ऊपर वर्क भी हो रहा है कि आपने वो लिस्ट आपने यहाँ जमा करानी है और उनके हिसाब से आपको खाना रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोवाइड किया जा रहा है। शहरी में भी ऐसा सिस्टम मौजूद है और अफ्तारी में भी ऐसा मौजूद है, तो अगर आप में से कोई भी अगर है ऐसा तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनकी टीम यहाँ मौजूद है और माशाल्लाह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, सीरियसली गाइस ये बहुत अच्छी यूट्यूबर है, इनको सपोर्ट करें। इनके चैनल का नाम है व्लॉग्स बाय समीना, तो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लेकर आती हैं। समीना ऐसे ही काम करती रहे और हम लोगों को भी सपोर्ट करें। और आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी कि पैकेजेस लेके भी जा सकते हैं। तो अच्छा समीना यहाँ पे मिस मैनेजमेंट तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखें 30 से 35 हज़ार लोग रोज़ाना यहाँ मौजूद होते हैं और आपको कभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं जो सोशल मीडिया पर ना देख रहा हो, JDC की अफ्तार यहाँ नज़र नहीं आ रही हो। JDC का अपना पेज माशाल्लाह मौजूद है, JDC का अपना चैनल मौजूद है, तो आप वहाँ देख सकते हो। किसी भी किस्म की कोई मिस मैनेजमेंट गुज़िश्ता सालों में भी नहीं हुई, आजकल के
दिनों में भी कुछ भी नहीं हो रही। माशाल्लाह जो टीम है पूरी वेल ऑर्गेनाइज है, हर तरह से सपोर्ट होती है। जब लोग परेशान होते हैं ना तो मिस मैनेजमेंट होती है, जब लोग परेशान ही नहीं होंगे तो मिस मैनेजमेंट कैसे होगी, ठीक है। और जब लोग देखेंगे कि जी हम सब वो लोग परेशान हो रहे तो हम नहीं जा रहे, तो लोग जब देख रहे हैं ना हर चीज एक मुनज्जम तरीके से हो रही है तो लोग माशाल्लाह से आते हैं। और आप देखें तो इज्जत के इज्जत एहतराम के साथ सबको खाना फर्म किया जाता है, और जो यहाँ बड़े से बड़े जो यहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं वही चीज वो भी खा रहे होते हैं, वही आम पब्लिक भी खा रही होती है। ये नहीं कि स्पेशली उनके लिए कोई और अलग खाना होता है या आम पब्लिक के लिए, सबको वही खाना सर्व किया जाता है जो आज की सहरी में या आज की अफतारी में जो है स्पॉन्सर किया जाता है। जैसे आज की सहरी मुझे इस वक्त मालूम नहीं किसने स्पॉन्सर किया, लेकिन कुछ देर में हमें भी पता चल जाएगा तो आप लोगों को भी बताएंगे। हाँ मतलब ये कि जैसे कि हम आप अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी हुई है तो वो पहले से ऑर्गेनाइज करती है, बता देते हैं जेडीसी को कि आज फला दिन है वो हमारी अफतारी है, तो पूरा एक तरीका है ना, मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें चल रही है। ओके थैंक यू समीना, थैंक यू। तो गाइस देख सकते हैं जेडीसी फाउंडेशन की तरफ से मेगा सहरी और अफतारी का इस्तेमाल किया गया है, लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं। क्राउड यहाँ पे 40,000 लोगों का सहरी और अफतारी का इस्तेमाल किया जाता है। माशाल्लाह से स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी लोग स्पॉन्सर भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे अंगीठियां भी देखे यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, बारबेक्यू ग्रिलर ऑन हो गए, धुआं देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। और ये सरप्राइज होगा कि आज के मेन्यू में क्या होगा, तो साथ जुड़े रहे देखते रहे। होती है ऐसी है कि 30,000 से 40,000 बंदा होता है शहरी में। ऐसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कराची की सबसे बड़ी शहरी का इंतजाम किया गया है, तो हम लोग के साथ और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को इनके साथ बताती हूँ। एक मेरे साथ एहसन, वेलकम टू माई YT फैमिली, और ये है कमाल साहब, टेस्ट बाय कमाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों का? खैरियत से अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर पहली दफा आए या आते रहते हैं? मैं साल में एक दफा आया हूँ, 2 साल पहले आया था, पिछले साल आया था और आज आया हूँ मैं। आज 11वीं सहरी करवाई जा रही है इधर। एग्जैक्टली 2 अप्रैल 11th रोजा है माशाल्लाह से, तो आपको कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ? माहौल तो बहुत ही जबरदस्त है, लोग अभी आना शुरू हुए हैं, लेकिन पिछले साल से ज्यादा अच्छा मुझे इस दफा का सेटअप लग रहा है, और भी ज्यादा इन्होंने इसको तरक्की दी और भी ज्यादा खूबसूरत कर रहा है इसको। और आप बताइए प्लीज अपने रिव्यूज कुछ। मैं तो यहाँ पे पिछले साल के बाद इस साल आया हूँ, वो भी जबरदस्ती, उसकी वजह हमें यहाँ पे हर रोज एक सरप्राइज मिलता है। अच्छा वो क्या हमें भी बताएं? सरप्राइज मिलता है कि मेन्यू में क्या है, आवाम को पता ही नहीं होता, एकदम से जफर भाई हम लोगों को सरप्राइज देते हैं, और वो सरप्राइज निकलता है ऐसा कि हमारे जो पोर्च एरियाज में लोग रहते हैं वो भी वो खाने नहीं खाते जो खाने यहाँ पे मिलते हैं। कमाल साहब मैं कल परसों देख रही थी यहाँ पे माशाल्लाह बारबेक्यू प्लेटर दिए गए जिसके ब्लॉग्स आपके हम देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हो सकता है आज हमारे पास वैसे ही बारबेक्यू प्लेटर इधर दिया जाएगा। नॉर्मली इधर शितर मुर्ग खिलाया जाता है, हिरन भी खिलाया जाता है, तो आज देखते हैं क्या सरप्राइज मिलने वाला है। बिल्कुल ओके। अच्छा आपके ब्लॉग किस टाइप के होते हैं? मैं ज्यादातर फूड व्लॉगिंग करता हूँ, उसके अलावा जो अच्छी चीज हो लोगों को देखनी चाहिए हो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइस देखिए मेरे साथ कमाल और एहसन साहब दोनों मौजूद हैं, मैं भी मोस्टली हम लोग फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो आज मतलब ये ट्रेंडिंग है और अच्छी चीज जहाँ पे हो रही होगी तो हम लोग आपको वहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। जो जेडीसी फाउंडेशन जितना भी कर रही है हमारे लिए कर रही है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसको बताना चाहिए लोगों को कि वो भी इधर आए और इनको प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पर जी। जफर भाई का जो मेन मोटिव है ना इस टाइम, वो उनका मोटिव ये है, देखे व्हाइट कॉलर जो बनना है ना वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आते में भी शर्माते तो शर्माना नहीं है। असल हमारा कदम जो जेडीसी उठा रहा है वो उनके लिए उठा रहा है, वो भी इस साल इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मेरा सलाम है जेडीसी को उनके खिदमत की जानिब के वो जो खिदमत कर रहे हैं। एग्जैक्टली थैंक यू बोथ ऑफ यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब गाइस, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल महंगा होने की वजह से वॉलंटियर्स नहीं आ रहे, कह रहे हैं भाई दिन में 400 रुपए का पेट्रोल लगेगा, हम इतनी दूर दूर से आते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद। किस इलाके में रहते हो? तुम्हें आज कितने वॉलंटियर लेकर आने थे? 20। कितने लेकर आए हो? पूरी गिनती होगी ना। क्या नाम है? अली हसन। कितने लेकर आए हो लड़के? 25। अगर नहीं गिनती कराई तुमने? चल चल रहे गिनती करने। एक और अच्छी खबर, ये हमारे दोस्त क्या नाम है? अब्दुल अहद।
अब्दुल हाल आज तो तुम बड़ा तैयार हो यार हो गया, कुछ मिलने वाला है क्या? किस चीज की उम्मीद है? पूरा किया अभी सब बता दोगे तुम, हमें भी तो कुछ बताने दे भाई। भाई इनको ये हमारे थैलीसीमिया पेशेंट थे गुड्डे, कल ये हमारे लिए लेकर आए थे चरपाई अपने हाथ से बना के। तो जब मैंने इनसे पूछा स्कूल जाते हो, उन्होंने कहा नहीं मैं बैठ नहीं सकता, मैं थैलीसीमिया पेशेंट हूँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी एजुकेशन का क्या हुआ? इसने कहा अगर मुझे कोई लैपटॉप मिल जाए तो मैं तालीम आगे बढ़ सकती, लैपटॉप मैं दे सकता था। लेकिन मेरे बराबर में कराची की बहुत बड़ी शख्सियत बैठी थी, सरदार इरफान साहब, वो यहाँ बिल्डर के ऑनर। मैंने कहा सरदार साहब क्या करना है? सरदार साहब ने कहा लैपटॉप दिया, और देखिए सरदार साहब ने लैपटॉप खोल, लो भाई लो रिसीव करो, पहले रिसीव करो, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये देखें लैपटॉप आसानी से मिल गया होगा, स्टिकर बड़ी मुश्किल से चिपका होगा। खोलो आओ आए। और ये सरदार साहब नया लैपटॉप है, आ जाओ भाई आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। ये लो भाई बिल्कुल आपको लैपटॉप मिल गया, आपका बैग आ गया भाई। भाई एक दफा फिर मैं सरदार साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, आपके जितने लोग हैं। सरदार साहब वही हैं कि जिन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर 4 सोने के सेट, एक गाड़ी और क्या दिया था इन्होंने, आईफोन। देखा पूरे कराची को याद है सरदार साहब, अब ये लैपटॉप भी याद है। कहना चाह रहा हमारे क्या क्या इनके बारे में क्या कहना, प्लॉट प्लेट चाहिए इनसे, कुछ चाहिए तो बताओ सरदार साहब, ये नहीं सुन रहे हैं ये आप सुन कुछ और कह रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाह रहे हो? ये बहुत बात है के पक्के, इन्होंने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया, आप भी इनसे फ्लैट बुक कराए। ये किसने याद कराया तुम्हें, कसम से सच बोलना, नहीं नहीं सच बोलना, नहीं नहीं इन्होंने याद कराया, इन्होंने सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये किसने याद कराया? नहीं अच्छे आदमी यार, हम बोल रहे अच्छे आदमी सरदार साहब, खुश रहे यार, बहुत शुक्रिया, आप भी खुश रहो, उठाओ लैपटॉप को लेके चला गया, रोना नहीं। वैसे यहाँ जेबें कट रही है, मोबाइल लेके जा रहे हैं लोग, ये मोहब्बत है इन लोगों की भाई, देख लें प्यार है यहाँ पे, शहरी के अंदर मिल रहा है, स्टूडियो पर शेयर कीजिएगा। इनके लिए दुआ कीजिएगा, मैं बिल्डर के सरदार इरफान के लिए, इस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है अभी, एज निकल गई है? निकल गई है यार, अगर इस बच्चे का बोन मैरो हो जाता तो इसका ये मर्ज, इसकी जिंदगी भर जो इसके साथ रहेगा जान छूट जाती इसकी। दुआ करते हैं, हम तो फ्री थैलेसीमिया सेंटर खोल रहे हैं, फ्री ब्लड बैंक भी खोल रहे हैं, फ्री लैब बना रहे हैं, 8 अरब रुपये की मशीनें लगा रहे हैं, अगर पाकिस्तानियों ने साथ दिया तो पूरे पाकिस्तान में इसे सम फ्री में ले आएंगे। स्टूडियो पर आदमी शेयर, वो आगे वाले खाली देखे भाई, भाई आज का मेन्यू होने वाला है बहुत ही सही साले है। क्या
जी तो हम आए हुए थे शहरों अफ्तार प्रोग्राम में, जेडीसी फाउंडेशन की तरफ से जो दस्तरखान सजाया गया है, माशाल्लाह से 60,000 थाल यहाँ पर डेकोरेट किए गए हैं। और बस ये देख के मुझे एक शेर याद आ गया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पे सब आम और खास के लिए ओपन दावत है, तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ आए। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एक अच्छे काम को मैं अप्रिशिएट करने आई हूँ। आई नो कि मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट गया, लेकिन बीइंग अ सोशल वर्कर जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा वहाँ पर मैं आपको नजर आऊँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जेडीसी की इस काबिश को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और यहाँ पर आए और उसका पार्ट बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।